ये मेथी भाजी है, आप चाहे तो इसको पूरा डंठल, केवल पत्तियां पत्ते ही रख सकते हैं। मैंने हल्के फुल्के इनके डंठल भी रख लिया। आप इसे कट कर लें हंसिए से या नाइफ से, जिससे आपको आसानी लगे। तो अब इसे कट कर लेते हैं। कर लिया है और वॉश कर लिया है, आप चाहे तो और बारीक काट सकते हैं। और ये है मटर, और हमने पानी गर्म कर लिया है। इसमें हम मुलायम होने तक मटर उबालेंगे, जब तक ये नरम नहीं हो जाते। और इससे भी हम डाल देते हैं मेथी, इन्हें नरम होने तक हमें इन्हें पका लेना है। मेथी को उबाल लेने से उसका कसैलापन भी निकल जाता है, तो 10 मिनट में हो जाएगा। तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ग्रेवी की तैयारी कर ली है। मैंने 6-7 टमाटर डाले हैं, ये काजू फुला लिया था, इसे डाल लेते हैं। 2 मिर्च, अदरक, अब इसे जार में हम पीस लेते हैं। ये रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। और ये लौंग, काली मिर्च, इलायची, इसे हम हल्का दरदरा कर लेते हैं। खड़े मसालों की बात ही अलग होती है, इसे थोड़ा दरदरा कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। ये मसाले जो हमने दरदरे कर लिए हैं, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, थोड़ा सा तेज़पत्ता, ये हल्का शहद, दालचीनी, आप खड़ी दालचीनी भी डाल सकते हैं, ये धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे जो हमने पीस के रखा। हल्दी डालेंगे और ग्रेवी को तेल छोड़ने तक हमने भून लिया है। ये हमने मलाई डाल दिया, अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने मेथी जो छान के रखा है उसको डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी कितनी प्यारी दिख रही है, अभी इसमें डाल देते हैं मेथी मटर। ये रहे मेथी मटर छान के रखे हैं, इसे डाल देते हैं। मेथी मटर डाल दिए मैंने, इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे तेज़ आंच पर 10 मिनट पकने देंगे। आप इसे जितना पतला गाढ़ा रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 10 मिनट बाद इसे चेक करें। हमारी मेथी मटर मलाई तैयार है, ये सर्व करने के लिए अब रेडी है। ये तैयार है मेथी मटर मलाई, ये मैंने आसान तरीके से आपको बनाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।